ये एनिमे ना ही हमारा है ना ही हमने इसे बनाया है, हमने इसका फेयर यूज करके इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले बोरूटो एपिसोड नंबर 38 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, आप हमारे गेमिंग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, तब तक के लिए थोड़ी देर में आपके लिए रुकता हूँ। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए गेमिंग चैनल को और चलो वीडियो स्टार्ट करते पर हैं। गाइज, आपके लिए एक सरप्राइज है, आज आपको 2 या 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर एक ही टाइम पे। तो प्लीज़ जल्दी से गेमिंग चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। तो गाइज़, अगर आपने हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करा दिए ना, तो मैं सच में रोज़ के रोज़ 2 या 3 एपिसोड डालते जाऊँगा आपके लिए। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो यार, जल्द से जल्द। तो यहाँ पर नरूटो सोया हुआ होता है और फिर वो जाग जाता है और उसकी मॉम उसको नीचे खाने के लिए बुलाती है। खाना खाने के बाद वो स्कूल के लिए बाहर निकलता है और उसकी मॉम बोलती है ध्यान से जाना बेटा। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है तुम अपना हेयर बैंड क्यों नहीं पहनते। तो बोरूटो कहता है मुझे किसी ने देखना नहीं चाहिए ऐसी अनकूल चीज पहनते हुए। तो फिर नरूटो उससे कहता है कि कुछ नहीं होता हिनाटा, वो पहन लेगा, पर अभी के युग में बच्चे बहुत ये हो गए हैं मॉडर्न, तो कुछ नहीं होगा, उसको आदत लग जाएगी। फिर आगे जाकर वो उसको पहन लेता है। यहाँ पर शिकामारू आता है और नरूटो को कहता है कि आगे तुम्हारी बहुत सारी मीटिंग है, जल्दी चलो। और फिर नरूटो हिनाटा से कहता है हिनाटा ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ। फिर वो उनको बाय करते हैं और नरूटो भी घर से निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीम का सिलेक्शन होने वाला होता है कि कौन किसके टीम में रहने वाला है। तो नरुटो का बेटा बोरुटो कहता है कि दोस्तों हमारी टीम अच्छी जमेगी। फिर शारदा कहती है नहीं, कोई तुम्हारी टीम में आना नहीं चाहेगा बोरुटो, तुम तो लापरवाह हो और कुछ काम के नहीं। तो बोरुटो उसके पास आकर कुछ कहता है तो शारदा कहती है तुम बहुत पास आ गए हो, चल दूर हटो, तुम्हारे मुँह से बात आ रही है। तभी हम देखते हैं कि शिनो सेन से आ रहे होते हैं टीम बनाने के लिए। तो फिर अचानक से युवाबी कहता है कि अरे सर आ रहे, साइड में हटो। तो फिर उसका हाथ बोरुटो को लग जाता है और बोरुटो शारदा के बहुत करीब चला जाता है और अचानक हम देखते हैं कि कुछ अलग ही हो जाता है सीन। पर बाद में हम देखते हैं कि कुछ होने वाला होता है तो भी शारदा ने उसके मुंह पर लात मार दी होती है और कहती है दूर हट जा। और फिर बुड्ढो कहता है हे बहुत जोर से लगी, ऐसा क्यों करती हो। फिर हम देखते हैं कि उनके झगड़े चालू होते हैं तो पीछे से शिनो सेन से चिल्लाते बच्चों शांत हो जाओ, तुम्हारी आज ट्रेनिंग है, मतलब हम तुम्हारा आज सिलेक्शन करने वाले हैं, तो तुम अभी शांत हो जाओ, अब मैं बताऊंगा कि कौन किसके टीम में जाएगा, 3-3 लोगों की टीम बनने वाली है, तो हे शिकामारू शांत बैठ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिनो सेंसे होते हैं वो कहते हैं कि क्लास रैप तुम्हारी और जो तुम्हारे दोस्त है उनकी टीम बनेगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इवाबे होता है, मेडल होता है और डेंकी होता है, उनकी भी टीम बनती है, इन 3 लड़कियों की टीम बनती है एक साथ। और यहाँ पर काकाशी जैसे दिखने वाले लड़के की और उसके दोस्त इसकी पता नहीं इसका नाम क्या है और लड़की है उसकी, तो मतलब इन 3 जनों की टीम भी बन जाती है। और फिर ऐसे में बाद में हम देखते हैं कि चोचो, इनोजिन और शिकामारू के बेटे शिकाराई की टीम बनती है, मतलब उनके पेरेंट्स की जैसी टीम थी उनके बेटों की भी वैसी टीम है। फिर यहाँ पर इनोजिन कहता है हाँ वैसे ही सेम टू सेम। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनोजिन और बाकी सब चले जाते हैं और फिर चोचो कहती है क्या यार क्या है ये, हम तीनों की ड्रीम बन गई हमारे पापा और पेरेंट्स की जैसे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लास में 3 ही बच्चे बचे हुए होते हैं, मित्सुकी, शारदा और बोरुटो। तो फिर शिनो सेन से कहते हैं अभी कुछ चारा ही नहीं है, तुम तीनों की टीम बन गई चलो, और तुम्हारी टीम का नाम है टीम 3। और फिर बाद में मित्सुकी कहता है क्या सच में अच्छा है। और फिर बाद में कोनोमरू कहता है कि तुम्हारी टीम को लीड मैं करूँगा समझे। फिर बाद में बोरुटो कहता है क्या बड़े भैया तुम, तो फिर बोरुटो कहता है कि सच में बड़े भैया। पर बाद में हम देखते हैं कि शारदा उनके ऊपर कुनाई फेंकती है पर वो पकड़ लेता है और कहता है शारदा क्या तुम क्या टेस्ट करने वाली थी। फिर शारदा कहती है मैं अपने टीचर की स्ट्रेंथ और उनकी एबिलिटी टेस्ट कर रही थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनो सेन से चले जाते हैं और फिर बोरुटो कहता है वाह दोस्तों देखो अपनी टीम कितनी अच्छी है। और फिर हम देखते हैं कि शारदा को ये टीम बिल्कुल पसंद नहीं थी, या मतलब उसको बोरुटो ही पसंद नहीं था अपनी टीम में, इसलिए वो कोनोमर के पास जाती है और कहती है कि हमें हमारी टीम का नाम भी पसंद नहीं और मेरे कुछ चेंजेस भी करने हैं उसमें। तो फिर यहाँ पर कोनोमरू शारदा को एक स्क्रॉल देता है, कहता है कि ये है एक रिक्वेस्ट अपील है, तुम जाकर अपने 7th होकागे से मतलब नरूटो से जाकर करो कि मुझे क्या क्या करना है। तो फिर हम देखते हैं कि शारदा जाने वाली होती है पर बोरुटो उसको रोकता है पर वो नहीं रुकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है शारदा रुक जाओ हमारी टीम अच्छी है और ये टीम 03 भी नाम अच्छा है, तुम कहाँ पर जा रही हो। और फिर शारदा नहीं सुनती, शारदा कहती है कि नहीं मुझे अपने टीम का नाम पसंद नहीं और अपने टीम में तुम भी पसंद नहीं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर शिकामारू होता है और वो
शैडो पर सिंजुत्सु कर रहा होता है और फिर वो नीचे आता है और इन दोनों से कहता है, बच्चों क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, चल भागो यहाँ से। और फिर दोनों भी ऊपर से जंप मार कर नीचे चले जाते हैं और शिकामारु कहता है कि क्या बच्चे हैं यार आजकल के। और फिर यहाँ पर शारदा कहती है, मुझे लॉर्ड हुकागे को ढूंढना ही होगा क्योंकि मुझे जाना है। तभी मिस्की वहाँ पर आकर कहता है, क्या खा रहे हो, मुझको भी दो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि लॉर्ड हुकागे मतलब नारुतो यहाँ पर सारे शिनोबी लोगों की ट्रेनिंग ले रहा होता है कि अगर कोई नुकसान आ गया या किसी ने अटैक कर दिया लीफ विलेज पर तो तुम क्या करोगे। इसलिए बुरुटो कहता है, नारुतो कहता है कि हे चलो जल्दी से बैरियर बनाओ क्योंकि अगर किसी हमले की अगर तैयारी होने लगी तो हमें ऐसे ही बैरियर बनाना होगा हमारे लीफ विलेज के आसपास। चलो तुम बैरियर बनाए रखो, मैं तुम पे हमला करता हूँ, देखते तुम में कितनी स्ट्रेंथ है। तभी हम देखते हैं कि जब नारुतो अटैक करता है तभी बैरियर टूट जाता है पूरी तरीके से। तो नारुतो उन पे गुस्सा होता है कि क्या कर रहे हो, तुम में कुछ पावर ही नहीं है, तुम्हारा तो एक मिनट में बैरियर टूट जा रहा है, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी समझे, ऐसे खतरे हमारे पास हर बार आते रहेंगे, तो जल्दी से बहुत तेज़ी से प्रैक्टिस करो, बहुत ट्रेनिंग करो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सारे शिनोबी लोग होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए वापस से लग जाते हैं और ये कहता है कि हमें ठीक से प्रैक्टिस करनी होगी समझे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अजुमा सेंसे की लड़की होती है, वो कहती है ठीक है करेंगे प्रैक्टिस। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस ब्रिज पर अजुमा सेंसे की लड़की की ट्रेनिंग होती है और मतलब उसको यहाँ पर रखा जाता है सिक्योरिटी के लिए कि इस ब्रिज के आगे कोई जाएगा नहीं। और बुरुटो को पता चल जाता है कि नारुतो इस ब्रिज के उस पार है, इसलिए वो शारदा को लेकर यहाँ पर आते हैं। तभी अजुमा सेंसेई की लड़की उनको कहती है कि आगे मत चलो, मुझे ऑर्डर मिला है। तो शारदा कहती है हम जाएंगे, हमको ज़रूरी काम है लॉर्ड हुकागे से, पर वो नहीं सुनती। और फिर वो कहती है कि मैं ये रस्सी काट दूंगी, अब तुम आगे नहीं जा पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि कुनाई को लगी रस्सी को वो काट देती वो लड़की और शारदा और बुरुटो ब्रिज के बीचों बीच फंस जाते हैं और गिरने को आते हैं। तो तभी पीछे से मिस्की करता है कि उसके हाथों में से वो बहुत सारे सांप निकलता है और फिर उस ब्रिज को पकड़ लेता है बड़ी तेज़ी से। और उसके सांप इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी ब्रिज मतलब एक्यूरेटली पकड़ लेता है और वो ब्रिज टाइट हो जाता है। फिर गाइस हम देखते हैं कि ऐसा होने के बाद शारदा कहती है कि थैंक यू मिस्की हम बच गए। और फिर हम देखते हैं कि लड़की कहती है वाह कमाल की ट्रिक थी, पर मैं तुम्हें इससे आगे नहीं जाने दूंगी। मिस्की कहता है बुरुटो मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से आगे जाओ। और फिर बुरुटो कहता है कि हाँ हम जाएंगे आगे, हे लड़की बाजू में हट जा। फिर लड़की कहती है मैं मेरा ऑर्डर नहीं भूलूंगी और वो बुरुटो से फाइट करने लगती है। बुरुटो भी उसको डॉज करके उससे फाइट करने लगता है और यहाँ पर उनकी पहली फाइट होने लगती है। शारदा अपनी शारिंगन ओपन करके क्या दिख रही होती है उसको उसको ही मालूम, और उसको कुछ समझ नहीं आता। बुरुटो कहता है शारदा कुछ करो तुम्हारे पास शारिंगन है। शारदा कहती है क्या क्या मुझको कुछ नहीं आ रहा। फिर बुरुटो कहता है कि क्या काम की हो तुम, और बुरुटो नीचे गिरने को आता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शारदा अपनी आँखें बंद कर लेकर कहती है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो वापस से उसकी शारिंगन ओपन करती है तो उसके पीछे से उसकी लड़की आती है और उसके ऊपर गेंजुत्सु कर देती है। और फिर शारदा को कुछ समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। फिर बुरुटो यहाँ पर उठता है और कहता है कि शारदा क्या हो रहा है। तो शारदा कहती है अरे मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे चक्कर जैसा हो रहा है। फिर बुरुटो कहता है जरा ध्यान से शारदा उठ जाओ वो चली गई है अब वो दूर चली गई है। और फिर शारदा उठ जाती है और बुरुटो वापस से उसके ऊपर हमला करता है और शारदा फिर से अपनी शारिंगन ओपन कर लेती है और उसको फिर से कुछ समझ में नहीं आता। और बुरुटो बड़ी तेज़ी से दूर फेंका जाता है उस लड़की के कारण और शारदा को लेकर वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और ये लड़की कहती है क्या इतनी ही ताकत है तुम में, अब जाओ बेटा प्रैक्टिस करके आओ, यहाँ पर बिल्कुल मत रहना, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है समझे। फिर बुरुटो कहता है नहीं हम नहीं रुकेंगे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्की के बाजू में इरुका सेंसे मतलब कोनोअमरु आता है और कहता है कि अरे बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कोनोअमरु की बहन होती है, हमें पता है कि अजुमा सेंसे की बेटी कोनोअमरु की बहन ही हुई ना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो वो कोनोअमरु होता है वो उसी पे तमाशा देखते रहता है और वो कहता है कि होने दो लड़ाई, इससे बुरुटो की स्किल्स बढ़ जाएगी और शारदा की भी। तो बुरुटो कहता है शारदा अपनी स्पेशल यूज पावर यूज़ करो, तुम्हें कुनाई फेंकना अच्छे से आता है और मुझे शैडो क्लोन बनना। तो वो शैडो क्लोन बनाता है और उससे लड़ता है और उसका ध्यान भटकाता है। तो पीछे से शारदा क्या करती है बहुत सारे कुनाई उसके ऊपर फेंकती है, बुरुटो के दो तीन क्लोन्स नीचे से जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की बुरुटो को बहुत मारती है और पीछे से शारदा कुनाई फेंकती ही रहती है। और फिर हम देखते हैं कि उस कुनाई को डॉच करते करते वो लड़की आगे बढ़ती रहती है और सारे क्लोन्स को तबाह करती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्लेड उसके सिर पर लगने वाला होता है तो नीचे झुक जाती है और वो ब्लेड पीछे चला जाता है और बुरुटो के क्लोन को लग जाता है और बुरुटो का क्लोन टूट जाता है। और फिर शारदा को समझ में आता है कि अपना ब्लेड अगर पीछे गया तो वापस से आगे आता है बूमरैंग की तरह, इसलिए वापस से
एक ब्लेड फेंकने वाली होती है और बुरुटो को कहती है कि बुरुटो जब मैं कहूँगी तुम नीचे झुक जाना। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो का क्लोन उससे लड़ते रहता है और शारदा बड़ी तेजी से वो ब्लेड उसके ऊपर फेंकती है, वो साइड में हो जाती है वो लड़की और ब्लेड पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बुरुटो को ब्लेड दिखता है कि वो वापस आ रहा है, इसलिए वो साइड में हो जाता है और लड़की कहती है ये क्या ब्लेड वापस आ गया, और वो बड़ी तेजी से जंप मारती है, इसके कारण वो ब्लेड उसको नहीं लगता पर वो बहुत तेजी से नीचे आकर गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गिरने के बाद वो ब्रिज के अगर नीचे गिरती तो पूरी मर जाती, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कोनो हमारू उसको एक रस्सी से पकड़ लेता है और उसको वहाँ पर बांध देता है। और कोनो हमारू कहता है कि ए क्या हुआ बहन, क्या तुम लटक गई? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है और यहाँ पर बांध देता हूँ, जब तुम्हें लगा तब तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो ब्रिज के उस पार आ जाते हैं और वो स्क्रॉल लेकर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो कहता है कि हमें नाम वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने अगर टीम के साथ काम किया, टीम वर्क किया तो हमारी टीम वैसे भी अच्छी बनने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाम तक प्रैक्टिस करने के बाद बुरुटो कहता है, मतलब नरुटो कहता है कि आज के लिए इतना ही, कल और प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नरुटो की आवाज़ आती है कि क्या हुआ, तुम कौन हो, अरे बच्चों यहाँ पर कैसे? तो फिर बुरुटो कहता है पापा मुझे अपना नाम चेंज करना है, अपनी टीम का टीम 07 रखना है आपकी तरह। नाम चेंज करना है? ठीक है, तुम्हारा नाम चेंज हो गया, आज से तुम नए टीम 7 हो। फिर शारदा कहती है आपका बेटा कुछ काम का नहीं है, वो बहुत शरारतें करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अजुमा सेंसी की लड़की होती है वो अभी तक यहीं पे अटकी होती है, पता नहीं उसको कौन निकालेगा। पर आज का एपिसोड यही खत्म होता है और इसी तरह इस अजीब एंडिंग के साथ आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड भी अभी डाल रहा हूँ जल्दी के जल्दी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको 1-2 घंटे में दूसरा एपिसोड देखने को मिल जाएगा आज के ही दिन ही। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।